हेलो एवरीवन वन डी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट आई वेलकम यू ऑल टू अ लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स स्टूडेंट्स टुडे वी हैव इंग्लिश वर्कशीट नंबर ट्वेंटी एट आज हमारे पास इंग्लिश वर्कशीट नंबर ट्वेंटी एट है और इसमें आज आपका टेंस का जो टॉपिक है वो कम्प्लीट हो जाएगा आज आप पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सो फर्स्ट पढ़ते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आप यहाँ पर इनके वर्ड से ही टेंस को समझ सकते हैं प्रेजेंट माने अभी जो ये सेंटेंसेस हैं या जो काम इसमें बताया जाएगा वो प्रेजेंट में हो रहा है परफेक्ट वो कुछ कंप्लीट हो गया है और कंटिन्यूस अभी जारी है सो so, इसकी सेंस से आप समझ पाएंगे आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं और इसे नोटबुक में भी ज़रूर लिखें दिस टेंस इज़ यूज टू इंडिकेट ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग ये ऐसा एक्शन जो किसी समय पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू है आप यहाँ पर फोर का यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए जैसे दे हैव बिन प्लेइंग फॉर टू आवर्स दो घंटों से खेल रहे हैं ये पीरियड है सिंस का देखिए यूज़ करते हैं टू रेफर अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम एक निश्चित समय पर दे हैव बिन प्लेइंग सिंस फाइव ओ क्लॉक वो पाँच बजे से खेल रहे हैं आप यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं ये पीरियड है फोर और ये सिंस है लेकिन इसका एंड नहीं है पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे आप समझ सकते हैं हैज को आप यूज करेंगे ही शी इट एंड सिंगुलर नाउंस के साथ हैव का यूज करेंगे आप आई यू वी दे और प्लुरल नाउंस के साथ आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं सब्जेक्ट हैज हैव बीन आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आएगा ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप आएगा एग्जाम्पल से पढ़ते हैं अफर्मेटिव आई हैव बिन स्टडिंग इंग्लिश मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ सो so यहाँ पर आप पहले स्टार्ट किया था अपने पास में कुछ समय पहले और आप अभी भी पढ़ रहे हैं आप बोल सकते हैं यहाँ पर आप फोर और सिंस भी ऐड कर सकते हैं आई हैव बिन स्टडिंग इंग्लिश फॉर टू आवर्स आई हैव नॉट बिन स्टडिंग इंग्लिश फॉर टू आवर्स मैं दो घंटों से इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ हैव आई बिन स्टडिंग इंग्लिश फॉर टू आवर्स क्या मैं दो घंटों से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ सो so, ये इंटेरोगेटिव हो गया आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं ही हैज़ बिन रीडिंग अ बुक सिंस फाइव ओ क्लॉक वो एक किताब पढ़ रहा है पाँच बजे से ही हैज़ नॉट बिन रीडिंग अ बुक सिंस फाइव ओ क्लॉक वो पाँच बजे से कोई किताब नहीं पढ़ रहा है हैज़ ही बिन रीडिंग अ बुक सिंस फाइव ओ क्लॉक क्या वो पाँच बजे से कोई किताब पढ़ रहा है दे हैव बिन कैरिंग अ बैग वे बैग उठाए हुए हैं आप यहाँ पर बोल सकते दे हैव बिन कैरिंग अ बैग फॉर टू आवर्स वो दो घंटों से एक बैग उन्होंने उठा रखा है दे हैव नॉट बिन कैरिंग अ बैग फॉर टू आवर्स वो दो घंटों से उन्होंने कोई बैग नहीं उठा रखा है हैव दे बिन कैरिंग अ बैग सिंस फाइव ओ क्लॉक क्या वो पाँच बजे से उन्होंने कोई बैग उठा रखा है सो so यहाँ पर फोर और सिंस मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ आप अपनी नोटबुक में भी इसको जरूर ऐड कर सकते हैं अब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट माने भूतकाल में वो काम शुरू हुआ होगा वो एक समय परफेक्ट भी होगा और वो कंटिन्यूस भी होगा लेकिन कब पास्ट में ही आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन से समझ सकते हैं दिस टेंस इज़ यूज टू इंडिकेट ये टेंस इंडिकेट करता है एन ऑनगोइंग एक्शन एक ऐसा एक्शन जो चल रहा था डेट एंडेड बिफोर अनदर एक्शन इवेंट इन द पास्ट जो किसी दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हो गया था एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं वी हैड बिन वेटिंग देयर फॉर टू आवर्स बिफोर द बस अराइव बस के आने से पहले हम वहाँ पर दो घंटे से इंतज़ार कर रहे थे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं अब ये देखिए या एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर दो इवेंट हुए हैं पहला वो वेट कर रहे थे और दूसरी बस का आना सो यहाँ पर हमने इसको पहले यूज किया है स्ट्रक्चर देख सकते हैं सब्जेक्ट होगा हैड होगा बीन होगा आई होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट होगा और फुल स्टॉप होगा ये अफर्मेटिव का है यहाँ पर ये अफिरमेटिव का स्ट्रक्चर दे रहे हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं दे रखा है एग्जाम्पल देख सकते हैं वो ही ऊपर वाले एग्जाम्पल्स यहाँ पर सिर्फ हैज़ और हैव की जगह इन्होंने हेड लगाया है आई हैड बिन स्टडिंग इंग्लिश मैं इंग्लिश पढ़ रहा था आप यहाँ पर दोबारा से फोर लगा सकते हैं मैं दो घंटों से इंग्लिश पढ़ रहा था आई हैड नॉट बिन स्टडिंग इंग्लिश फोर टू आवर्स में दो घंटों से इंग्लिश नहीं पढ़ रहा था हेड आई बिन स्टडिंग इंग्लिश फॉर टू आवर्स क्या मैं दो घंटों से इंग्लिश पढ़ रहा था ही हैड बिन रीडिंग अ बुक सिंस फाइव ओ क्लॉक वो पाँच बजे से एक किताब पढ़ रहा था ही हैड नोट बिन रीडिंग अ बुक सिंस फाइव ओ क्लॉक वो पाँच बजे से एक किताब नहीं पढ़ रहा था हेड ई बिन रीडिंग अ बुक सिंस ओ फाइव ओ क्लॉक क्या वो पाँच बजे से कोई किताब पढ़ रहा था दे हैड बिन कैरिंग अ बैग फॉर थ्री आवर्स वो दो घंटों से कोई बैग उठाए हुए हैं दे हैड बिन नोट दे हैड नोट बीन कैरिंग अ बैग फॉर टू आवर्स वो दो घंटों से कोई बैग उन्होंने नहीं उठा रखा था हैड दे बीन कैरिंग अ बैग फॉर टू आवर्स क्या उन्होंने दो घंटे से कोई बैग उठा रखा था सो so यहाँ पर हमारा अब लास्ट टेंस आता है दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इट मीन्स ये जो काम है ये परफेक्ट होगा फ्यूचर में ही कंटिन्यू भी रहेगा फ्यूचर में ही ये इंडिकेट करता है कि ऐसा एक्शन डेट विल कंटिन्यू अनटिल अ पर्टिकुलर इवेंट और टाइम इन द फ्यूचर जो किसी समय तक कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में एग्जाम्पल से आप और अच्छी तरह समझ पाएंगे बाय नेक्स्ट जनवरी अगले साल तक वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर फोर आवर्स हमें यहाँ पर रहते हुए चार साल हो जाएंगे तो यहाँ पर यह बता रहा कि अगले साल तक हमें यहाँ पर रहते हुए चार साल हो जाएंगे आपने पहले ही पढ़ा है हम आई आई और वी के साथ शेल का यूज़ करते हैं और विल को हम बाकी यू और थर्ड पर्सन जैसे ही शीट दे और नेम के साथ यूज करते हैं स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं सब, स, सब्जेक्ट शेल और विल रहेगा हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, प्लस फुल स्टॉप ये है आपको पता है अफिरमेटिव सेंटेंस है आई shall हैव been स्टडिंग इंग्लिश आप बोल सकते हैं यहाँ पर बाई टमारो आई shall हैव been स्टडिंग इंग्लिश फॉर टेन आवर्स मैं कल तक मैं दस घंटे तक किताब इंग्लिश की किताब पढ़ रहा हूँ आई शैल नोट बिन स्टडिंग इंग्लिश मैं इंग्लिश की किताब नहीं पढ़ रहा हूँ शेल आई बी हैव बिन स्टडिंग इंग्लिश क्या मैं इंग्लिश की किताब पढ़ रहा हूँ ही विल बी रीडिंग बुक आप इसको ऐसे बोल सकते हैं बाय थर्सडे ही विल हैव बिन रीडिंग अ बुक फॉर फिफ्टीन आवर्स थर्सडे तक वो पंद्रह घंटे तक किताब पढ़ रहा होगा ही विल नॉट हैव बिन रीडिंग अ बुक वो किताब नहीं पढ़ रहा होगा विल ही हैव बिन रीडिंग अ बुक क्या वो किताब पढ़ रहा होगा अब यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बाय फाइव ओ क्लॉक दे विल हैव बिन कैरिंग अ बैग फोर टू आवर्स पाँच बजे तक वो दो घंटे तक से बैग उठाए हुए होंगे दे विल नॉट हैव बिन कैरिंग बैग वो बैग उठाए नहीं हुए होंगे दे विल हैव बिन कैरिंग बैग वे बैग उठाए हुए होंगे सो so, यहाँ पर आपको पता ही है जैसा मैं हर बार कहता हूँ एग्जाम्पल से आपको या रूल से आपको ग्रामर नहीं आती है जब आप एक्सरसाइज सोल्व करते हैं, तभी आपको ग्रामर आती है सो आप एक बार जरूर इसको खुद अटम्प्ट करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करना है इट मीन्स हैज हैव प्लस 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 बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सो पर आप यूज कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस पहले शी आप देखते ही क्या लगाएंगे हैज शी बीन आप कुकिंग में आई एन जी लगा देंगे सिर्फ सिंस सेवन ओ क्लॉक क्या वह सात बजे से खाना पका रही है या खाना बना रही है सेकेंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एट दैट टाइम उस समय ही हैड बीन राइटिंग में जो स्पेलिंग रहेगी वो मैं बोल के बताता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं यहाँ पर लिखने का डब्ल्यू आर आई टी आई आएगा एन जी आ जाएगा पास परफेक्ट कंटिन्यूस अगेन हैड बिन प्लस वर्क फर्स्ट होम प्लस आई एन जी साहिल टुक रेस्ट साहिल ने आराम लिया आफ्टर ही हैड बीन प्लेइंग में आप आई एन जी लगाएंगे हैड बिन प्लेइंग फॉर टू आवर्स यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि दो घंटे से खेलने के बाद साहिल ने रेस्ट लिया वह दो घंटे से खेल रहा था उसके बाद साहिल ने रेस्ट लिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैज़ की प्लस प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी ही के साथ आप हैज़ लगाएंगे ही हैज बीन स्लीपिंग में आप आई एन जी लगा देंगे लास्ट में फोर फाइव आवर्स वो पाँच घंटे से सो रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विल शैल हैव बीन प्लस की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी द रेन विल हैव

महीने से यहां पर रह रहा था पास परफेक्ट कंटिन्यूस अगेन हैड बीन शी साक्षी हैड नोट बीन डूइंग आ जाएगा यहां पर जो हमारी वर्ब है ना डू उसमें आप डूइंग लगाएंगे डी ओ आई एन जी डूइंग हर होमवर्क फॉर अ वीक नाउ साक्षी को एक हफ्ता एक हफ्ते से साक्षी अपना होमवर्क नहीं कर रही थी मैं इसको मिटा देता हूँ आप नहीं देखा तो आप वीडियो को पीछे जाके दोबारा से देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस मिल जाएगा अब हम करते हैं एट्थ पास परफेक्ट कंटिन्यूस दे है तो यहाँ पर तो हैड यूज होता है हेड दे बीन आउट वेन यू कोर्ड जब तुमने बुलाया क्या वो बाहर जा रहे थे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंट विल शेल है एंड ऑफ दिस मंथ इस महीने के अंत तक ही विल है इन दिस स्कूल फॉर फोर ईयर्स इस महीने के अंत तक वो स्कूल में चार सालों से पढ़ता आ रहा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ही है तो विल लगाएंगे विल ही हैव बीन प्रैक्टिस आप ई मत लगाना सी के बाद आई एनजी लगा देना प्रैक्टिस हो जाएगा फॉर टू आवर्स बाय फोर ओ क्लॉक वो चार बजे तक दो घंटे से प्रैक्टिस क्या वो कर रहा होगा ऐसा ये पूछ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ही हैज नॉट बीन यहां पर आप वर्किंग में आईएनजी लगा देना वर्किंग देयर फॉर फाइव डेज वो पांच दिन से वहां पर काम कर रहा था पास परफेक्ट कंटिन्यूस दे बीन सिंग में आप आई एन जी लगा देना सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस थ्री ओ क्लॉक वो तीन बजे से एक गाना गा रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यू के साथ हम हैव लगाएंगे हैव यू बीन वेटिंग में आप लास्ट में वेट टी के बाद आई एन जी लगा देना वेटिंग हेयर फॉर टू आवर्स हम यहां क्या हम यहाँ पर दो घंटों से इंतज़ार क्या आप यहाँ पर दो घंटों से इंतज़ार कर रहे थे पास परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस हैड दे बीन टॉक में आई एन जी लगा देना के के बाद वन आई वॉज अवे जब मैं बाहर गया था क्या आप बातें कर रहे थे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस दे यहाँ पर क्या वे बातें कर रहे थे लास्ट टेंस बाय सिक्स ओ छः बजे तक आई शैल हैव बीन रीडिंग में आप आई एन जी लगा देना फोर थ्री आवर्स छ बजे तक वह तीन घंटे से पढ़ रहा होगा या सॉरी मैं बोल रहा हूँ मैं छः घंटे छः बजे तक मैं तीन घंटे तक से पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है एंड यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुलॉर यू दैन इट द लाइक बटन सब्सक्राइब और चैनल इट द नोटिफिकेशन बेल शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड जय हिंद जय भारत मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में